जब से फ़ोन लिया है फर्स्ट टाइम आउटडोर में लेके आया हूँ फ़ोन, और मतलब बाहर, और वो भी नाइट में। और यहाँ देखते हैं ड्यूल फ़ोन का जो फ़ायदा था वो है या नहीं है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। बेसिकली एक पार्क में आया था मैं विज़िट करने, बेसिक तो ठीक है। अभी तो ये फ़ोन में सही दिख रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, नो डाउट। पैसे वर्थ इट लग रहे हैं कि आप इस वाले फ़ोन का सही यूज़ कर सकते हो। सपोज़ वीडियो मेकिंग के लिए नो डाउट, ये देखिए मैं जूम भी कर सकता हूँ वर्किंग वीडियो में ही। अब ये बंद है, मतलब जो वाटरफॉल है ये नहीं चल रहा है, सर्विसेज बंद है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे तो कैमरे की अपनी क्वालिटी चेक करनी थी बेसिकली, तो मुझे लगा क्यों ना एक जगह विजिट कर ले और देखे, क्योंकि फिर कई बार कम टाइम मिलता है, टाइम मिलता नहीं है। तो ये सही है वैसे तो, लो लाइट में जाके देखते हैं जहाँ लाइट थोड़ी सी कम है, और अच्छा लग रहा है। मतलब आप अपने आप को भी विजिबल रख रहे हो जिसमें, और वीडियोस भी बना रहे हो, तो ठीक है कहीं ना कहीं। अब इसको फुल कर दिया है, जैसे कि इसमें ब्राइटनेस भी हम साथ के साथ बढ़ा सकते हैं। कई बार फ़ोन लेने जब हम जाते हैं, जब मैं ये भी फ़ोन लेने गया था, तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं। मतलब जो सेल्स पर्सन होता है वो आपको चाहता है कि अपनी तरफ से ही कुछ सेल कर दे, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है, कि ये इशू तो रहता ही है। खैर अब इसमें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है जो मुझे लगता है कि वो भी आने वाले फ़ोन्स में होना चाहिए या हो सकता है, और वो क्या है कि जैसे ये वीडियो चल रही है इसको मैं चाहूँ कि एक दोनों में से एक कोई बंद कर दूँ, तो वो इसमें कट का ऑप्शन नहीं है। शायद वो कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है, कई बार आपको चेंज करना है तो बजाय चेंज करने के वो कट ऑफ हो जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये मैंने फुल ऑन कर दिया है और स्टेबिलिटी ठीक है इसकी, मतलब अदर देन फोन्स में जो इशू रहते हैं वो नहीं है इसमें। और ये इतना बड़ा नाम है इसका मुझे बार बार याद नहीं होता है, ये MI का प्रो फ़ोन है बेसिकली। कोई मैं जब डालूंगा तो डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा अगर कोई किसी को सिर्फ ब्लॉगिंग पर्पज़ से अगर लेना हो तो। अदर देन फ़ोन ठीक है, फ़ोन में कोई इशू नहीं है, बाकी भी वर्किंग मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ। बट चारों तरफ आप देख सकते हैं, मतलब नाइट में हूँ मैं, जहाँ एक सिंपल पार्क के अंदर कितनी लाइटिंग हो सकती है आप समझ सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट है, दो स्ट्रीट लाइट है, एक इधर तीन स्ट्रीट लाइट है, और इतनी ज़्यादा भी लाइटिंग नहीं है। नॉर्मल कैमरे में तो ये दिखेगा भी नहीं, मतलब नॉर्मल फ़ोन में तो ये सबसे ज़्यादा बकवास वाला लगेगा हिसाब किताब, बट क्लैरिटी वाइज गजब है, मतलब वर्थ इट है। आप इस फ़ोन को ले सकते हैं अगर ब्लॉगिंग पर्पज़ से ले रहे हैं। तो मेरा मेन इसको लेने का यही पर्पज़ था कि ब्लॉगिंग के लिए, वीडियोज़ के लिए। YouTube पे जब वीडियो बनानी होती है तो कई बार हम सिर्फ अपना ही दिखा पाते, सामने क्या चल रहा है, किसी ऐसे प्लेस पे हैं जहां आपको लगता है सामने का भी कुछ दिखाना है या अपने आप को मिनिमाइज़ करना है, तो वो थोड़ा सा हो नहीं पाता है, या एडिटिंग का वर्क ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डेली रूटीन लाइफ में जो बिज़ी होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ब्लॉग बनाना, फिर उसको एडिट करना, वो बहुत बड़ा झंझट का काम होता है सीरियसली। सिर्फ आप लोकेशन को सपोज़ देखना चाहते हैं कि चारों तरफ क्या हो रहा है और कौन बोल रहा है, तो आइडेंटिफिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो। और कॉपीराइट का, या फिर कई बार क्या होता है कि आपकी वीडियोस को उठा के लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वहाँ भी दिक्कत आती है। चलिए आगे नेक्स्ट झूलों के पास चलते हैं, वहाँ देखते हैं लाइट कितनी है और क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। चलो तो झूलों के पास आ गए हैं, यहाँ पर देखते हैं ग्रीनरी में। बाकी मैं दिन की भी कोई वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो बनता ही रहेगा, तो आपको क्लियर होता रहेगा कि क्या चल रहा है इस ब्लॉग चैनल पर, उम्मीद है बेसिकली। तो ठीक दिख रहा है, लाइट शेड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लोग काफ़ी यहाँ जैसे कि घूमने आए हुए हैं। इसका कैमरा सेंटर वाला सेंटर में है, जूम करने के बाद भी पिक्सल्स इतने ज़्यादा नहीं फट रहे हैं, क्योंकि नाइट है तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ेगा ही, बट नो डाउट ऑल ओवर अगर वीडियो की बात करें तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का है हम ये कह सकते हैं। इसको और चेंज करना है तो देन अगेन आप चेंज कर सकते हैं। कुछ फ़ोन में आपको ये फीचर मिल तो रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है उसमें
कि आपको पहले ही सेटिंग कर लेनी है कि जिस मोड में आपको वीडियो बनानी है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि सपोज मुझे अभी जैसे इसमें मैं चेंज कर पा रहा हूँ, आप मोड देख रहे हैं वीडियो में बार बार रिपीटेडली चेंज हो रहे हैं कि मुझे अगर ऐसे चेंज करना है, पीछे की स्क्रीन को बड़ा करना है, इसको उठा के एक तरफ करना है, तो ये पॉसिबल सब फ़ोन में नहीं है, कुछ महंगे फ़ोन है उसमें तो है। तो ये फ़ोन रिव्यू ही कह सकते हैं हम इस वीडियो को कि नाइट में मुझे इतना शायद टाइम नहीं लगता है, तो मुझे थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम था, मैंने सोचा क्यों ना इस फ़ोन का देख ले एक बार रिव्यू। ठीक है, तो ठीक है, लाइट ब्राइटनेस और ऑल ओवर फ़ोन का जो कैमरा क्वालिटी है वो परफेक्ट है, अभी तक का बेस्ट वन मैंने परचेज किया है। ठीक है, सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस तरह की नई चीज़ों के बारे में मैं और भी ब्लॉग्स में बताता रहूँगा, और दोनों कैमरे का यूज़ भी करूँगा, पैसे तो पूरे वसूल करने हैं ना। चलिए, थैंक यू।